हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और एकदम हेल्दी होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेडनेसडे मॉर्निंग से। अभी 7:30 या फिर 7:45 बजे का टाइम हो रहा है और आज रूटीन जो है एकदम ट्रैक पे आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज से हस्बैंड का ऑफिस स्टार्ट हो गया है। तो मुझे सुबह सुबह बहुत सारे काम करने हैं आज। सबसे पहले मुझे लंच की तैयारी करनी है, लंच प्रिपेयर करके टिफ़िन पैक करके देना है, उसके अलावा नाश्ता भी बनाना है, और उसके अलावा बाकी सारे घर के काम तो होते ही हैं। बड़े दिनों के बाद ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, सुबह सुबह एकदम एनर्जेटिक सा। नहीं तो हम लोग लॉकडाउन में तो ऐसे हो गए थे, एकदम लेज़ी से। आराम से उठना है, आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, घर की क्लीनिंग करनी है पहले, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है। लेकिन आज सारा रूटीन जो है उल्टा हो गया है। क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी, पहले मुझे किचन में काम करना है, ब्रेकफास्ट और लंच बनाना है। तो यहाँ पे मैं पराठे के लिए आटा गूंथ रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने दाल भी रख दी है बॉईल होने के लिए। साथ में मैं चावल भी बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड को चावल बहुत अच्छे लगते हैं लंच में, और लंच में मैं भी चावल ही खाती हूँ ऑब्वियसली। तो इसलिए लंच में चावल और दाल बना रही हूँ, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए पराठे बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने आटा गूंथ के यहाँ पर तैयार कर लिया है। दाल यहाँ पे बॉईल हो चुकी है। सबसे पहले मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी ताकि आराम से इसमें 4-5 सीटियाँ आ जाएं और दाल अच्छे से गल जाए। तो एक्चुअली ये साबुत मूंग है जो मैंने अभी मंगाए थे कुछ दिनों पहले, क्योंकि साबुत मूंग ख़त्म हो गए थे मेरे पास, तो अभी जो ग्रॉसरी आई है उसी में मंगाए थे। और रात भर मैंने सोक करके रखा था पानी में, और अभी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। उनको थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो खाने में भी अच्छी लगती है। और तड़का मैं बहुत ही सिंपल वाला लगा रही हूँ, सरसों के तेल में। आप चाहो तो इसको घी में भी लगा सकते हो, इसका तड़का बहुत टेस्टी लगता है। साथ में मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, थोड़े से मैंने लहसुन की कलियाँ डाली हैं, थोड़ा सा प्याज डाला है। तो इन सबको अच्छे से मैंने भून लिया है। साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूंगी एक छोटे साइज़ का, और टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी क्योंकि सॉल्ट मैंने दाल में नहीं डाला था। तो आप चाहो तो दाल बॉईल करते टाइम भी सॉल्ट ऐड कर सकते हो, मैं उस टाइम पर भूल गई थी और दाल मैंने रख दी थी बॉईल होने के लिए, तो इसलिए मसाले के साथ मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और बाकी सारे रेगुलर मसाले जाएंगे इसमें। तो इसको मैं ढक के पकाऊंगी 4-5 मिनट के लिए, जब तक टमाटर अच्छे से गल जाता है। तो देखिए इसमें से ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, और इस पूरी प्रोसेस में 5 से 6 मिनट लगते हैं हार्डली। तो इसके बाद जो मैंने दाल बॉईल करके रखी थी वो इसमें डाल दूंगी, और इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो गर्म पानी डालूंगी क्योंकि दाल अभी काफ़ी थिक है। तो गर्म पानी मैंने इसमें मिक्स करके ऐड कर दिया है, और गर्म पानी डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ी देर बॉईल करने के लिए रखूँगी ताकि सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाएँ और दाल का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और मैश कर लूँगी दाल को, क्योंकि कुछ दाने साबुत खाने में अच्छे लगते हैं और कुछ मैश हो जाए ना, जिस वजह से दाल थोड़ी सी गाढ़ी दिखती है, तो दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको बॉईल कर लिया था, और बॉईल आने के बाद देखिए ऑयल ऊपर ऊपर आ गया है सरफेस पे, दाल भी अच्छे से थिक हो गई है। तो सबसे लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल के मैं गार्निश करूँगी। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो, बहुत ही हेल्दी रहती है मूँग दाल, हमेशा बहुत हेल्दी रहता है ऑप्शन। तो लंच ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है, दूसरी साइड मैंने चावल रखे थे बॉईल होने के लिए, उसको बनने में अभी 5 मिनट का टाइम है। तो जब तक चावल बन रहे हैं मैं यहाँ पे पराठे बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि हस्बैंड को आज थोड़ा सा जल्दी जाना था। और पराठे मैं यहाँ पे सिंपल से बना रही हूँ, सिंपल पराठे, और उसके साथ में अचार हो या फिर कोई सब्ज़ी हो ना तो खाने में अच्छा लगता है। तो शाम को मैंने करेले की भुर्जी बनाई थी तो थोड़ी सी वो लेफ़्ट ओवर थी, तो इसलिए मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है अभी। तो करेले की भुर्जी और पराठे हम लोग खाएँगे।
सारी कुकिंग हो चुकी है, चावल भी रेडी हो चुके हैं। इसके बाद बारी आती है टिफ़िन पैक करने की। तो आज पूरे 1 या 1.5 महीने के बाद टिफ़िन निकला है, तो टिफ़िन भी कह रहा होगा आज मुझे बड़े दिनों के बाद इन्होंने बाहर निकाला है, और काफ़ी अच्छा फील कर रहा होगा वो भी बाहर निकल के। और साथ ही हस्बैंड भी काफ़ी खुश थे, उनको बड़े दिनों के बाद ऑफिस जाने को मिल रहा है, अपने नॉर्मल रूटीन पे वो वापस आ रहे हैं और काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे थे। और सुबह सुबह जल्दी से उठ के वो नहा धो के तैयार भी हो गए। एक्साइटमेंट रहती है ना जब बहुत दिनों के बाद जाना हो, अपने कलीग से मिलना हो, फ्रेंड्स लोगों से मिलना हो, तो एक्साइटमेंट रहती ही है। हम लोग भी जब छोटे थे, बहुत लंबी विंटर वैकेशन के बाद जब हम लोग स्कूल खुलने का वेट करते थे, तो बहुत एक्साइटेड रहते थे अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए। तो सेम ऐसी फीलिंग आज आ रही थी उनको। तो टिफ़िन पैक हो चुका है, दाल चावल ठंडे हो चुके हैं, इसको मैं पैक कर दूंगी। और दूसरी तरफ हस्बैंड गए थे शॉप में दूध लेने के लिए, तो दूध के वो पैकेट ला चुके हैं और साथ में उनका नाश्ता भी रेडी हो चुका है। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी क्योंकि अभी सिर्फ 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं करीबन 9 या 9:15 तक नाश्ता करती हूँ अपना। नाश्ते के बाद की क्लिप है, यहाँ पे मेरा नाश्ता भी हो चुका है, दूध मैंने बॉईल करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं और उसके बाद मैं अपने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बर्तन मैं वॉश कर चुकी हूँ, बस मुझे काउंटर टॉप क्लीन करना है। किचन क्लीनर मैंने स्प्रे करके रखा हुआ था, तो किचन क्लीनर से मैं पूरा काउंटर टॉप और स्टोव क्लीन करके रखूँगी। और ये कॉफ़ी मग और चाय के कप वगैरह सब मैंने वॉश करके रखे हुए थे, तो मैं इनको साथ के साथ ही स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बास्केट में रखते हैं कप वगैरह और उसके ऊपर कोई गलती से हैवी बर्तन रख दिया तो उसमें क्रैक आ जाता है या टूट जाता है ज़्यादा वेट की वजह से। तो इसलिए सारे कप मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। दूध ठंडा हो चुका है, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और यहाँ पर मैं अपना किचन क्लीन करूँगी। तो सारा किचन क्लीन हो चुका है, बस मैंने जो रोटी वाला रुमाल होता है वो भिगो के रखा है, थोड़े से विम जेल डाल के और थोड़ा सा हैंड वॉश दोनों मिक्स करके मैंने अच्छे से उसको रख दिया है भीगने के लिए। करीबन 1/2 घंटे मैं उसको भिगा के रखूँगी और उसके बाद वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है, सारे दाग धब्बे उसमें से निकल जाते हैं। और सबसे लास्ट में मैं पोछा लगा लूँगी और स्टैंड मॉप से जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि काम भी बहुत सारे थे, तो मॉर्निंग में फटाफट हो जाता है इसलिए मैं स्टैंड मॉप से लगाती हूँ और बहुत इजी रहता है इससे। और इसके बाद मुझे जाना है शावर लेने के लिए और मेरे घर के सारे काम उसके बाद हो जाएंगे कंप्लीट। और आज तो लंच वगैरह बनाने का भी टेंशन नहीं है दोपहर में, क्योंकि सारा खाना मॉर्निंग में बन चुका है।
तो ऐसा रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मल रूटीन, क्योंकि जब मुझे मॉर्निंग में सारा काम कंप्लीट करके फिर लंच बनाना होता है ना, तब बहुत आलस आता है। फिर मन करता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद लंच बनाऊँ, लेकिन तब तक तो फिर लंच का टाइम ही हो जाता है, तो इसलिए मॉर्निंग में बिल्कुल रेस्ट का टाइम नहीं मिल पाता है। और वैसे भी लेट में उठो तो फिर कहाँ हो पाता है ना टाइम, तो इसलिए सारे काम फटाफट फटाफट करने पड़ते हैं मशीन की तरह। लेकिन ये वाले रूटीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब हस्बैंड का ऑफिस रहता है। मॉर्निंग में सारा खाना वगैरह बन जाता है, क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद मैं पूरे दिन आराम से अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। ये मेरा साफ सुथरा किचन, बर्तन सारे वॉश हो गए हैं, और बस ये रोटी रुमाल मैंने भिगा के रखा है, इसको वॉश करूँगी। और जो स्पंज है क्लीन करने वाला, काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए, स्टोव क्लीन करने के लिए स्पंज जो बना के रखा है वो भी भिगाती है मैंने, ताकि वो भी मैं वॉश कर सकूँ। बाकी स्टोव वगैरह मैंने सब अच्छे से क्लीन कर दिया है, पोछा लग गया है पूरे घर में। फ़ैन ऑन किया था मैंने क्योंकि जल्दी से सूख जाता है, स्टैंड मॉप से लगाने में क्या होता है ना, सूखता नहीं है जल्दी, तो इसलिए फ़ैन सारे चलाने पड़ते हैं। अंदर रूम में भी फ़ैन चल रहा है, यहाँ पर भी फ़ैन चल रहा था, तो जिस वजह से ये जल्दी सूखा है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग, और जो ये अलमारी के जो हैंडल्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे, छोटे छोटे दाग धब्बे जो होते हैं ना, जैसे ऑयल वगैरह के होते हैं, हम लोग यहाँ पे सारे सामान रखते हैं तो ऑयल लग जाता है, पाउडर गिर जाता है, तो बहुत दाग धब्बे लगे हुए थे फिंगरप्रिंट्स की वजह से। तो वो सारे मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, अलमारी अच्छे से सेट कर लूँगी, और ये एकदम चमकते हैं ना, तो इसलिए साफ़ दिखाई देते हैं इसमें दाग धब्बे। और जो ये हैंडल वाला एरिया है, इसी एरिया में सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, जर्म्स वगैरह भी होते हैं, तो इसके लिए रेगुलर उसको क्लीन करते रहना पड़ता है। आज मैं बहुत टाइम के बाद इसको क्लीन कर रही हूँ। बजने वाले हैं और मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए, कपड़े वॉश कर लिए, और मैं नहा के आ गई हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो मैंने गीले बाल रखे हुए हैं अभी, ताकि थोड़ी सी ठंडक मिले, और बाल धुल के एकदम से सूख जाते हैं आजकल, तो पता ही नहीं चलता कब सूख गए, ऐसा हाल हो रहा है गर्मी से। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि बाल जरा अच्छे बना के रखा करो, साड़ी पहन के रखा करो, तो वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से साड़ी पहनो, मतलब मैं तो गर्मियों में सूट भी पहनती हूँ, कुर्ती भी पहनती हूँ ना, तो मुझे इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, मैं पूरे दिन भर नहीं पहनती हूँ, मैं शाम होते होते चेंज कर लेती हूँ कपड़े, कुर्ती वगैरह जब पहनती हूँ। मुझे लोअर टी शर्ट इस तरीके के ढीले डाले कपड़े बहुत पसंद है गर्मियों में, तो साड़ी पहनना इस टाइम पे तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में कौन वेयर करेगा साड़ी, और उसके बाद घर के काम भी करो, ऊपर से बाल भी खुले रखो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी ऐसी डिमांड अभी मत करिए, क्योंकि सीजन ऐसा नहीं है कि साड़ी वाड़ी पहनी जाए, और वैसे भी मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, कभी कभी अच्छी लगती है, डेली अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है साड़ी वाड़ी पहनने का, और पहनती हूँ तो मैं सूट वगैरह पहन लेती हूँ, कुर्ती पहन लेती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं इस तरीके के कोई इंडियन ड्रेसेस नहीं पहन सकती हूँ, मुझे सिर्फ टी शर्ट वगैरह अच्छे लगते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं गर्मियों में, और फटाफट काम करने के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। गया है 4:30 बजे का, और वेदर इतना खतरनाक हो रहा है ना बाहर के, मुझे लग रहा है बारिश हो सकती है, एकदम अंधकार हो गई है, सारे कपड़े सूख गए थे मैंने उठा लिए हैं, अभी एकदम ह्यूमिडिटी बनी हुई है, हवा भी नहीं चल रही है, और इतना अंधेरा हो गया है, इतने क्लाउडी वेदर हो गया है ना, बादल लग गए हैं, तो क्या पता बारिश हो जाए, होनी भी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, फेस देख के आपको लग ही रहा होगा बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, मतलब चिपचिपापन हो रहा है, स्वेटिंग तो नहीं हो रही, चिपचिपापन कहेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ गुलाब जामुन बनाने की,
तो ये गुलाब जामुन कितने दिन हो गए इसको? 1 हफ्ता हो गया आए हुए, मैंने अभी तक बनाया नहीं था, तो ये बनाऊंगी आज मैं। एक्चुअली इससे पहले ना मैंने मोतीचूर के लड्डू मंगाए थे, ये हल्दीराम के मोतीचूर के लड्डू हैं जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा है इसमें, बाकी सब फिनिश और बहुत टेस्टी हो रहे थे। ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था लेकिन ये लास्ट में आया था तो इसलिए मैंने इसको ग्रॉसरी में नहीं दिखाया। इसके अलावा पार्ले जी बिस्किट भी अलग से ही आया था, उन लोगों ने ना इस बार अलग अलग करके सामान भेजा है, तो अब ये ख़त्म होने वाला है तो मैं सोची हूँ गुलाब जामुन बना के रख लेती हूँ। छोटा सा ही पैकेट है, 200 ग्राम का है शायद, नहीं 100 ग्राम का है ये, 100 ग्राम का, तो 10-15 गुलाब जामुन बन जाने चाहिए मेरे ख्याल से, तो बन जाएंगे। और सरसों का तेल खत्म हो गया था तो ये निकाला है मैंने, अभी ये बोतल में खाली करके रखूंगी। और गोलगप्पे बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप इस तरीके से करना, बहुत सारे आपने अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, तो सारे मैंने पढ़े हैं और बहुत लोगों ने बोला है कि सूजी के बनाना, लेकिन एक्चुअली ना सूजी के गुलाब जामुन मुझे उतने, गुलाब जामुन कह रही हूँ, दिमाग में गुलाब जामुन ही चल रहा है अभी, तो एक्चुअली सूजी के गोलगप्पे ना मुझे इतने खास पसंद नहीं है। मैं जब भी बाहर भी जाती हूँ ना आटे के गोलगप्पे खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने आटे के ही ट्राई किए और पिछले 2-3 बार से मैं आटे के ही ट्राई कर रही हूँ। सूजी के भी बनाऊंगी, वो भी बना के ट्राई करेंगे एक दिन, लेकिन पहले मुझे आटे के बनाने हैं एकदम परफेक्ट, तो अभी तो नहीं, कुछ दिनों के बाद ट्राई करूंगी, अभी मेरा मन नहीं है। और रिसर्च कर लेंगे और कोशिश कर लेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्या पता अगली बार अच्छा सा बन जाए। गोलगप्पे जो है ना फूले बहुत अच्छी तरीके से थे, ये गोलगप्पे फुलाने में तो मैं एकदम सक्सेस हो गई थी, बस ये है कि क्रिस्पी नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन खाने में बड़े अच्छे हो रहे थे। हस्बैंड ने सिर्फ एक गोलगप्पा खाया, मैंने सारे खाए क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं गोलगप्पे, मेरे फेवरेट है, तो सारे मैंने खा लिए। भले थोड़े से सॉफ्ट हो रहे थे लेकिन खाने में बहुत मजा आया क्योंकि पानी बहुत टेस्टी हो रहा था उसका। सबसे पहले गुलाब जामुन का पाउडर मैं खाली करके रख लूंगी, इसके लिए मैंने बड़ा सा बर्तन ले लिया है ताकि इसमें डो बनाने के लिए इजी रहे, तो चौड़े मुंह वाले बर्तन में इजी रहता है डो बनाने के लिए। तो सबसे पहले सारा पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना दूध डालूंगी, आप चाहो तो गुनगुना पानी भी इसमें मिला सकते हो, और एकदम से नहीं डालना है सारा, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको मिलाते रहूंगी, और एकदम इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। 5 से 6 मिनट हार्डली इसमें लग जाते हैं, तो 5-6 मिनट के, तो विद इन 5 to 6 मिनट ये डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ये हाथों में थोड़ा सा चिपकेगा, तो जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ना तो उस टाइम पे आप इसमें थोड़ा सा घी या फिर ऑयल अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वो हाथों में थोड़ा सा चिपकता ही है, चाहे आप इसको कितना भी गूंदे लेकिन ये थोड़ा सा चिपकता है, तो इसके लिए आपको घी या ऑयल अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे करीबन 2 से 3 चम्मच घी ऐड किया है यहाँ पे, और उसके बाद इसको अच्छे से मसल लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से, और इसके बाद इसके पेड़े तैयार करूँगी, तो एकदम सॉफ्ट डो तैयार होता है, और आपका डो जितना अच्छा होगा, जितना सॉफ्ट होगा, आपके पेड़े भी उतने अच्छे और उतने सॉफ्ट बनेंगे। डो लगा के तैयार कर लिया है मैंने, और यहाँ पे मैं छोटे छोटे इसके तो डो लगा के तैयार कर दिया है गुलाब जामुन के लिए, और थोड़ा सा दूध और बच गया था, तो इसके बाद मैं छोटे छोटे इसके पेड़े बना के तैयार करूँगी। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी क्योंकि बाद में जब हम इसको चाशनी में भिगाएंगे ना तो ये एब्जॉर्ब होके और फूल जाते हैं, तो इसलिए साइज़ इसका छोटा छोटा सा ही रखूँगी ताकि क्वांटिटी भी थोड़ी सी इनकी ज़्यादा बन जाए। और इसके बाद मैं चाशनी की तैयारी करूंगी, तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पतीला ले लिया है, मैं इसी में बनाऊंगी, और करीबन मैंने 1 कटोरी इसमें शुगर ऐड करी है वाइट वाली, और इसके बाद मैं 1 से 1.5 कटोरी के जितना यहाँ पे पानी लूंगी, पानी सिर्फ 1.5 गुना लेना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो इसलिए 1.5 बाउल मैंने यहाँ पे पानी डाला है, और इसको मैं रख दूंगी धीमी आँच पे पकने के लिए। जब तक हमारी चाशनी बनके तैयार होती है मैं ऑयल रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और तब तक गुलाब जामुन में फ्राई कर दूंगी, और गुलाब जामुन को मैं एकदम गरम गरम चाशनी में नहीं डालूंगी, चाशनी को थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। गरम गरम चाशनी में गुलाब जामुन डालने से, गुलाब जामुन के पेड़े डालने से कई बार वो टूट भी सकता है ना, तो इसलिए हल्का सा गुनगुना होने दूंगी, उसके बाद डालूंगी, तब तक मैं गुलाब जामुन फ्राई करके निकाल लेती हूँ बस। बहुत ही कम बनता है, ओकेजनली बनता है, तो आज गुलाब जामुन तो मुझे लग रहा है आई थिंक 1 ईयर के बाद बन रहे हैं, करीबन 1 साल हो गया मैंने गुलाब जामुन नहीं बनाए थे। मीठा तो बहुत ही कम बनाती हूँ मैं, तो आज बहुत दिनों के बाद मीठा, मैंने सोचा गुलाब जामुन का ये पाउडर मंगाया है तो बना लेते हैं।
तो गुलाब जामुन फ्राई होने के लिए यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है ताकि एकदम से गुलाब जामुन जल ना जाए, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से एकदम काले हो जाएंगे, जो कि देखने में भी अच्छे नहीं लगते, फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए लो मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई करिए। 2 से 3 मिनट लगते हैं फ्राई होने में और बहुत अच्छे से बनते हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ अच्छी तरीके से ये पक जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लूँगी और मीनवाइल यहाँ पे चाशनी भी बनके तैयार हो जाएगी। सारे गुलाब जामुन फ्राई करके मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पे मैं चाशनी चेक कर लूँगी। तो चाशनी चेक करने का ये तरीका है, आप जब उसको हाथ में लोगे तो हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए, उसमें तार नहीं बनना चाहिए। तो तार फॉर्म होने से पहले ही आप इसे बंद कर दीजिए और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस डाल दूँगी ताकि ये जमे ना। तो बस यहाँ पे चाशनी भी रेडी हो चुकी है, इसका थोड़ा सा वेट करूँगी मैं ठंडा होने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा इसको गुनगुना करूँगी मैं। और यहाँ पे 5:15 हो गया है, हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, तो टिफ़िन वगैरह निकाल दूँगी मैं वॉश करने के लिए और उसके बाद आगे के काम मुझे करने हैं, डिनर भी तैयार करना है। तो काम कंटिन्यू होते रहते हैं सुबह से शाम तक, आप चाहे जितना करो। चाशनी अभी हल्की सी गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की गर्म हो गई है। तो ये सारे पेड़े मैं इसमें डाल देती हूँ, उसके बाद इसको ढक के रख देंगे करीबन 3-4 घंटे के लिए। तो सारी चाशनी जो है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और गुलाब जामुन सॉफ्ट हो जाएंगे। कोई पेड़े इसमें छोटे हो गए, कोई बड़े हो गए।